विशेष निगरानी की छापेमारी सहरसा के जिला अधीक्षक सुरेश चौधरी के भी खिलाफ चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी सहरसा मुजफ्फरपुर में चल रही है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का 1,59,00,000 से अधिक का मामला दर्ज किया गया है। विशेष निगरानी कोर्ट के आदेश के बाद छापेमारी शुरू हो गई है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत सही पाए जाने पर मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू हो गई है। विशेष निगरानी के सहरसा के जिला अधीक्षक सुरेश प्रसाद के ऑफिस और आवास में छापेमारी का मामला। सहरसा में आवास और ऑफिस से लाखों रुपए बरामद। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई जा रही है। तो विशेष निगरानी की छापेमारी सहरसा जेल के अधीक्षक सुरेश चौधरी के आवास पर चल रही है और अब तक कई चीजें बरामद हो चुकी है और आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ छापेमारी चल रही है। छापेमारी सहरसा मुजफ्फरपुर में चल रही है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का 1,59,00,000 से अधिक का मामला दर्ज किया गया है। विशेष निगरानी कोर्ट से आदेश के बाद छापेमारी शुरू हो गई है और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत सही पाए जाने पर मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू हो गई है। विशेष निगरानी के सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश प्रसाद के ऑफिस और आवास पर छापेमारी का मामला। सहरसा में आवास और ऑफिस से लाखों रुपए बरामद। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे मुजफ्फरपुर संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, सुरेश चौधरी के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में छापेमारी के दौरान अब तक क्या कुछ चीजें बरामद हुई है? देखिए, मुजफ्फरपुर में छापेमारी के दौरान नगदी सोना अन्य सामान भी बरामद किए जाने की खबर। हालांकि छापेमारी की जो मामला है अब तक विजिलेंस की टीम मीडिया के समक्ष साझा नहीं कर पाई है और विश्वसनीय सूत्रों के माने तो काफी भारी रकम बरामदगी की खबर मिल रही है। फिलहाल विजिलेंस की जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं अन्य ठिकानों से भी भारी रकम भी बरामद की गई है, जिसकी तस्वीर जो है की एडीजी विजिलेंस जो एडीजी है मोहम्मद नैयर रहमान खान, उन्होंने मीडिया ग्रुप में साझा किया और उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर समेत कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है और देर शाम तक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी तक फिलहाल साझा नहीं हो पाया कि कितने रकम की बरामद हुई है। फिलहाल जो छापेमारी है वो चल रही है और देर शाम तक कितने चीजें वहां से बरामद हुई है, अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति उन्होंने कितनी बनाई है, इसका खुलासा देर शाम तक होगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन मीडिया से दूरी बनाई हुई है। ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो विशेष निगरानी की छापेमारी चल रही है। सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के कई जगहों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का इन पर मामला है। छापेमारी सहरसा मुजफ्फरपुर में चल रही है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का 1,59,00,000 से अधिक का मामला दर्ज किया गया है। विशेष निगरानी कोर्ट से आदेश के बाद छापेमारी शुरू हो गई है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत सही पाए जाने पर मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू हो गई है। विशेष निगरानी के सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश प्रसाद के ऑफिस और आवास में छापेमारी का मामला। सहरसा में आवास और ऑफिस से लाखों रुपए बरामद। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई जा रही है। बालू के अवैध खनन मामले में बीटा के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार झा के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी चल रही है। छापेमारी पटना और मुजफ्फरपुर में चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में मामला दर्ज करने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने न्यायालय ने सर्च वारंट लिया और छापेमारी शुरू हो गई है। पाटलिपुत्र थाना के कुर्जी बलुआ पर श्रीचंद्र हाई स्कूल के समीप किराए के बिल्डिंग में और दूसरा मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 मजौलिया स्थित पैतृक आवास पर रेड चल रही है। ये जानकारी एडीजी मोहम्मद नैयर हसनैन खान ने दिया है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, अवधेश कुमार झा के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी को अब तक लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं, क्या कुछ चीजें बरामद हुई है? देखिए, कई संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण अपडेट है, मैंने आपको बताया था अवधेश कुमार झा के दो ठिकानों की छापेमारी चल रही है, एक पटना में, एक मुजफ्फरपुर में, और कई संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इसी बीच देना चाह रहे हैं, ये की जेल सुपरिटेंडेंट के आवास पर भी छापेमारी चल रही थी। सहरसा के जेल अधीक्षक के खिलाफ आवाज पर वहां से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं और नए मशीन मंगाई जा रही है नोट गिनने के लिए। तो एक बड़ी इस समय खबर आ रही है
सहरसा मामले में छापेमारी के लिए फिलहाल अभी जो हमारे पास अभिषेक कुमार झा के आवास पर जो छापेमारी की अपडेट दी गई है, कई संपत्ति के कागजात मिले हैं और कई अन्य कागजात मिले हैं, उनकी अभी कह सकते हैं जांच की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी भी जो ईडी की टीम है वो लगातार जांच कर रही है। अवैध खनन मामले में बिहटा के तत्कालीन थानाध्यक्ष के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और कई चीजें हैं वो बरामद की गई है, दस्तावेज खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है और देर शाम एक महत्वपूर्ण अपडेट आने की संभावना है।